मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां एक खुदा को पढ़ो कल माया मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए सिकंदर इधर आ जी अम्मा सर मेरे को अलग आ बैठ तो तेरे नाल गल करनी हुक्म करे अम्मा साहब ना हुक्म नहीं मेरा पुत्र एक दुखी मानी फरियाद है एक पासे मेरा अपना पुत्र है तुझे पासे होए जड़ी सकीतियां तो बद के कुछ समझ नहीं आ रहा पुत्र अपने दिल नू रोवा जिगर नू पिट्टा मैं की करा दोवे पासे मेरा बहुत नुकसान है अम्मा साहिब आपका खून हूं मैं हर हाल में आप मुझे अपने साथ ही पाएंगी लेकिन इस बार ना आपको अपने बेटे की एक इल्तिजा माननी पड़ेगी आप हर मसलहत अनाथ और सात बात की दहलीज पार करके बस से एक बार एक मां बन के एक औरत बन के सोचिएगा आपको अपने बेटे की फरियाद समझ में आ जाएगी अगर तू खुश
ते फिर तेरी अखियां तेरा साथ क्यों नहीं दे रही? माही, माही गजब हो गया। क्या हुआ? माँ जी और सिकंदर बाबा साईं से मिलने आए। क्यों आए मिलने? अरे तुम्हारी बात करने आए। भाभी आप मुझे अब बताएंगी कि वो क्यों आए हैं? तुम्हारे और फरहाद के रिश्ते की बात करने। क्या? नामुमकिन। आपकी जुबान पर ऐसी बात आई भी कैसे? आप लोगों ने मेरी बेटी को इतना नीच, इतना गिरा हुआ समझ रखा है? ना शाहसाई, माई मेरी भी थी है। मैंने सास बन के नहीं, मां बन के फैसला किया है। आप ये फैसला करने वाली होती कौन है? अगर आपको सिकंदर और माही का रिश्ता कबूल नहीं है तो आप साफ साफ कह दीजिए। पर इस तरह किसी मामूली मलंग के साथ मेरी बहन को बदनाम करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा मैं आपको। मलंग मजजूब फकीर मामूली लोग ही नहीं होते पुत्र। पीरों के करानों को तो ऐसे फकीरों के फैज़ और दुआ की लोड़ होती है। कौन जाने किस फकीर की दुआ के बदले तुसा दी शान और शौकत अज तक कायम है। बस बस रहने दीजिए। पीर कादिम शाह की हवेली जागीर इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि इस तरह भिखारियों के साथ हम अपने रिश्ते जोड़ते फिरें। यह बात सोचकर भी आप लोगों ने हमारी तौहीन की है। ठंडे दिमाग में मेरी गाल सुन पुत्र। जा सकते हैं आप लोग। चलिए अम्मा से। यहां सर फोड़ने का फायदा कोई नहीं है। जिन लोगों के साथ माही ने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए, जब उन्हें अपनी बेटी के जज्बात का ख्याल नहीं तो फिर हम कौन होते हैं? हमारा इनका रिश्ता वैसे भी पिछले कुछ महीनों से ही था। चलिए। बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का, कभी नहीं भूलूंगा मैं। लेकिन यह मत समझना कि अपनी बात से करूंगा मैं, अपना हर किया हुआ वादा निभाऊंगा। इस बार इलेक्शन में मैं तुम्हारे ही साथ दूंगा। गुजारिश मिली आपसे, माही की आंखों में छुपा हुआ दर्द देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपकी बेटी है, आपका सर झुकने नहीं देगी।
सकता है, अपना ही सर क्यों ना कटवाना पड़े इसको। पहले भी आपकी इज्जत की खातिर उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, दोबारा आजमा के देखेंगे ना उसको, फिर भी ऐसे ही करेगी वो। लेकिन मैं उसकी खुशियों के जनाजे पर अपने सेहरे के फूल नहीं सजा सकता। माफी चाहता हूं। जी बस एक दिन और, कल से और शुरू हो जाना है मज़ार पे, तो उसकी वजह से बहुत भीड़ होनी है, रश होना है। भी कुछ किया ना शाहजी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसकी रात दिलावर अपना काम करके निकल जाएगा खामोशी से। मरने से पहले जब वो तड़प रहा हो ना, तो मेरा एक पैगाम जरूर दे देना उसे कि हम पीरों की इज्जत पर बुरी नजर डालने वाले का यही अंजाम होता है। तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। जब इतना हक देते हो मुझे,
तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? खुद को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। मैं पल पल मरती हूं तुम्हारी ये हालत देखकर। शायद मैं उसी दिन ही मर गई थी जिस दिन मुझ तक तुम्हारे मरने की खबर पहुंची। मैं तुम्हारे आके हाथ जोड़ती हूं, खत्म कर दो अपनी ये अज़ियत, खत्म कर दो अपनी ये बर्बादी। मैंने तस्लीम कर लिया, तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। देखना आई कि मेरी मां ही ले दुनिया त्याग देने वाला कैसा लगता है। अज तो पहला जदों भी वेख्या मजावर के रूप में ही वेखे है। मैं आज भी वही फकीर हूं जो आपके घर पे नजर न्याज मांगने आया करता है। मुझे कुछ खास मत समझे, ये सब दुनिया के दिए हुए नाम है। ना तेरी जोगन ने मे को आप दसे साईं सिकंदर ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या किया आप लोगों ने? अगर एक फकीर को कोई शहजादी पसंद आ जाए तो शहजादी को महल से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। माई का क्या कसूर था? उसको किस चीज की सजा मिली है? इसना कर दो गुनाह सजा देता तो उसी भगत सिकंदर से उसका रिश्ता तय हो जाता। रब साई ने मेरे को बहु बटे को ना से बचा लिया। और ये समझाने वाली मेरे को कोई और नहीं, वही है जिसको मैंने हमेशा बाजारी समझा। उसको भी आपने गलत समझा। आपके बेटे का रोग उठाई घूम रही है अपनी दुनिया में। समझा तो मैंने तुझे भी नहीं। काश मेरे वस से छूंदा ते अपनी माई दा हद तेरे हद च फड़ा दे सा के ले जा मेरी शहजादी नू इस दुनिया तो दूर अपनी दुनिया च ले जा। पर क्या कर सा, पाऊं मजबूर है।
तेरी माय तक बहु कड़े पैरे ने। हम बिल्कुल मेरे माँ जैसी हैं। वो भी अपने शहजादे की पसंदीदा चीज दिलाने के लिए मचल जाती है। लेकिन ये दुनिया नहीं देखती ना मां की नजर से मुझे, ये दुनिया सिर्फ दुश्मनी निभाना जानती है। तू भी बिल्कुल मेरे तैमूर जैसे सिद्धि, दुश्मनों से लड़ जान वाला, अपनी पसंद नहीं बुए दे अगे धरना देने वाला। जी करसी तेरी मां दे हाथ च मैसा जिसने तेरे जैसे पुत्र को पैदा किया, मेरी माई ले तेरे जैसा शहजादा ही होना चाहिए। इस जग में और कोई नहीं है उसके काबिल। काश अल्लाह ताला जैसे यहां की माई के घर वालों को भी अता करता। जो मुझ जैसे फकीर में ऐसा शहजादा देख रही है। इंशाल्लाह बेटा रब एहो ही कर सी। आज तो बाद मेरी हर दुआ तेरा ना हो सी। मैं भी ते वेखा मेरा रब खत कर मेरी दुआ रद्द कर सी। करसी तेरी मां दे हाथ च मैसा जिसने तेरे जैसे पुत्र को पैदा की,
हम तो जाके दार हैं, ऐसी बातें आती हैं हमें, जैसे कि फसलों की बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। हमारे मुंह से तो यही बातें निकलती हैं। हमारे लफ्जों में तुम्हारी जैसी खूबसूरती का। अगर ऐसी बात है आपकी जमींदारी में तो दिलदारी में न जाने कैसे सितम लाएंगे आप। मार ही डालते हैं आप साई, आपकी बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। विवाह सही कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारी आवाज की कशिश है जो कि मुझे यहां खींच लेती है। वरना यहां का रुख करना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। अम्मा से नाराज हुआ करती थी और उनकी नाराजगी मुझे कबूल नहीं। जिसे अपना मोहसिन समझती हो, अपनी जिंदगी का मालिक समझती हो, उसकी जिंदगी पर जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हक है, उसी हस्ती की खातिर तुम सिकंदर भाई को आजाद कर दो। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा जुल्म ना करें मेरे साथ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ सुनना सहना किस कदर अजियत मांग है। काश मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली दे सकती, लेकिन माँ जी के लिए सिकंदर भाई का तुमसे मिलना किसी सानहे से कम नहीं होता। और माँ जी अब ऐसे किसी सानहे को मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। मुझसे माँ जी की तकलीफ नहीं देखी जाती, बस
सच तो यह है कि सिकंदर भाई के लिए भी माँ जी इस दुनिया का सबसे अनमोल और कीमती रिश्ता है। अगर माँ जी को कुछ भी हो गया ना, सिकंदर भाई उम्र भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम चाहती हो जिसने तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी देकर तुम पर एहसान किया है वो तुम्हारी वजह से अपनी नजरों में गिर जाए, वो अपना ही मुजरिम बन जाए, किसी और से कभी नजरें ना मिला सके? खुदा ना खास्ता मैं अपने आप को मिटा सकती हूँ सिकंदर साईं के लिए, लेकिन उनकी जात पर कोई हरफा ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। फिर वक्त आ गया है, अगर तुम इस हवेली की खातिर कुछ भी करना चाहती हो तो आज के बाद सिकंदर भाई से कभी नहीं मिलना। ये उन एहसानात का बदला होगा जो इस हवेली के बेटे ने तुम पर किए। भाजी को उनकी फिक्रों से आजाद कर दो। आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए, बस चले जाइए। क्यों आज इतनी बेरुखी? क्यों क्यों चला जाऊं मैं यहां से? बहुत सी बातों का हिसाब लेना है मुझे तुमसे। कैसा हिसाब? इस तरह अचानक गायब हो जाने का हिसाब। मेरे हिस्से की इतनी नज़मों और गज़लों को अपने साथ बांध कर ले जाने का हिसाब, मेरी शामों को अपनी आवाज महरूम करने का हिसाब। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? काश मैं इतनी पक्की होती हिसाब किताब की साईं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे एक माँ के आंसुओं ने और एक बेटे के हक पर उसका वास्ता देकर रोक दिया गया था। फिर भला मैं वहां क्यों रुकती? और अगर मैं कहूँ उसी माँ की इजाजत से आया हूँ इस वक्त तुम्हारे पास, फिर क्या? क्या सच कह रहे हो? नहीं, ये सच है। और ये भी सच है कि बहुत जल्द तुम्हें यहां से भेजूंगा, हमेशा के लिए अपने साथ। क्या कह रहे हैं आप साईं? कहीं ये सुन के मैं मर ना जाऊं? हाँ, मरना नहीं है तुम्हें, जिंदा रहना है मेरे साथ।